गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे ब्लॉग में वेलकम है। और अब सुबह बज चुके हैं 5, तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। मेरा उठने का टाइम जो है सुबह 4 बजे का है। तो इसमें मेरी दाल रेडी हो चुकी, ड्राई फ्रूट्स वाले ओट्स रेडी हो चुके हैं, रोटियां बन चुकी हैं, और अभी बनाऊंगी मैं वेजेज वाले राइस। ये राइस बन के रेडी हो चुके हैं, अब इसमें कर्ड सर्व करूंगी और खाने के लिए बिल्कुल रेडी। किचन का काम कंप्लीट हो चुका है और अब बज गए 6। वैसे मैं लेट हो जाती हूँ, जो मेरा काम अभी कंप्लीट हुआ मेरा 5 बजे हो जाता है, तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी इसलिए। और अभी थोड़ी हवा अच्छे से आर पार हो जाएगी ना, पूरे घर में रात को बंद में स्मेल हो जाती है, तो इसलिए मैं जाले के दरवाजे लगा सकती हूँ। बाहर अभी देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है और बड़ी ठंडक महसूस हो रही है मुझे। मेरी गुड़िया सुबह उठती है 6 बजे, इसको 1 घंटा सुबह पढ़ाती हूँ। सुबह पढ़ा हुआ हमेशा दिमाग में सेट होता है ना नन्नू, पढ़ते हो ना सब गाइस को बताओ। और अभी ये कर रही है मैथ का होमवर्क और यहाँ पे आएगा 700 700 इसका मैथ होमवर्क कंप्लीट। कंप्लीट तो मैं पहले करा देती हूँ रात को ही, लेकिन अब रिवीजन करा रही हूँ इसकी। अभी मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं, मम्मी के लिए स्टफ रोटियां बनाऊंगी आलू की, तो इसलिए मैं अभी बॉईल करके रखूंगी। सना रुको बेटा, मम्मा को आलू रखने दो। और इधर मेरी जो ये मिर्ची है इनको अभी भरवा मिर्ची में फ्राई करूंगी, फिर दिखाती हूँ आपको मैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना जल्दी क्यों उठती हूँ, तो उसका रीज़न है मेरे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में हैं, तो वो सुबह 4:45 बजे घर से निकल जाते हैं, तो उन्हीं के साथ मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि वो घर से अपना लंच ब्रेकफास्ट लेके निकलते हैं, जहाँ वो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए वहीं शावर लेके उधर ही ब्रेकफास्ट करके 7:30 बजे स्कूल के लिए निकलते हैं और फिर 2 बजे घर आते हैं, तो इसलिए मुझे 4 बजे उठ के उनके लिए लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी करना होता है। और फिर मैं और मुकेश हम निकलते हैं जिम के लिए 5 बजे। तो फ्रेंड्स, बस मैं अभी कुछ टाइम से जिम नहीं जा रही क्योंकि मेरे राइट हैंड में थोड़ी मसल्स में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है, तो फिलहाल मैं 10 दिन के लिए रेस्ट पे हूँ। उसके बाद मैं अपनी जिम की वीडियोज आपको दिखाऊंगी रेगुलर। आंटी राम राम, राम राम। ये बारिश आई हुई है क्या? अच्छा, बाहर फ्रेंड्स बारिश का नजारा हो रखा है। अभी मैं बाहर गई तो बाहर हल्की हल्की फुहारे आ रही थी, बड़ा प्यारा मौसम हो रखा है, ठंडक हो रखी थी। और आप लोगों को मैं भगवान जी के दर्शन कराती हूँ सुबह सुबह। ये हमारा बहुत ही सुंदर राम मंदिर है और ये जो मंत्र है मैं वॉल्यूम तेज करके सुनाती हूँ आप लोगों को। ये हरे रामा हरे कृष्णा का महामंत्र हमारे घर में 24 घंटे चलता रहता है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये मंत्र चलता है। तो अब मुझे लग गई भूख, तो मैं अपने लिए लेके आई हूँ एप्पल, तो ये आप लोगों के लिए भी है, प्लीज शेयर करें थोड़ा थोड़ा। सुबह 4 बजे उठने के बाद भूख लग जाती है, तो इसलिए मैं 7 बजे एक एप्पल लेती हूँ। मॉर्निंग गाइस, आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ और जय श्याम, और मेरी मम्मा मुझे अपनी तरह मुझे एप्पल खिलाती है, बहुत सारी चीजें खिलाती है। और आपको पता है कल चिल्ड्रंस डे था, मम्मा ने मेरी सारी बात मानी और उनने मेरे लिए बताओ क्या क्या मंगवाया, चिप्स फ्रूटी एंड रात को जैम्स। सारी चीजें खाई ना फिर आपने? हाँ। चलो जल्दी से एप्पल फिनिश करो, फिर नहाना ठीक है, और स्कूल के लिए रेडी होके स्कूल में चले जाना ठीक है। मैं खाना नहीं खाना, खाना खाना है, जल भी तो देना है। किसको जल देना है? सूरज को। सूरज को जल देते हो आप? बताओ फिर सबको। हाँ, मैं सूरज को जल देती हूँ। अभी ये वेजेस वाले सैंडविच रेडी हो गए हैं और ये मैंने रख दिए हैं। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अभी मिर्चे फ्राई करूंगी, तो मैंने इधर इनको अच्छे से वॉश करके रख दिया है। और जो आज का मेरा व्लॉग है
सिर्फ मेरी सुबह जो मेरी मॉर्निंग में जो मेरा काम होता है सिर्फ उसका रहेगा, और जो मैं आज दिन में करूंगी और रात को डांस क्लास वाले सर घर पे डांस सिखाने आते हैं उसका व्लॉग मैं कल आपको कल दिखाती हूँ। सना स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है, सना स्कूल जा रही है ना। सना बाय करो, बाय करो, अच्छे से बाय करो, और लंच सारा फिनिश करके आना, ठीक है, बाय बाय। अभी शान के दोस्त आए हैं शान को लेने के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो बाइक पे बैठ चुका है। आप लोगों को मैंने देसवाल भाई साहब वाले ब्लॉग में बताया था कि हमारे जो बेडरूम में धूप आती है और वो 11:30 बजे तक रहती है, आप देख सकते हैं ये धूप सीधे हमारे बाहर तक, ड्राइंग रूम और बाहर सामने जो दिख रहा है ना वो वॉशरूम है वहां तक धूप जाती है। आज आप लोगों को मैंने अपना जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो थोड़ा सा दिखाया है, सारा सब कुछ तो नहीं दिखा सकी सारा रूटीन में, क्योंकि बाहर वाला जो रूम था वो बहुत फैला पड़ा था, वो सेट किया, सिर्फ किचन का मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मेरा मॉर्निंग रूटीन दिखाया है। तो प्लीज़ 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 दोस्तों आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, बहुत सारे लाइक करें, कमेंट्स करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करेंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी है आप लोगों की। और मैं जो नेक्स्ट व्लॉग मेरा जो आएगा अपने हरियाणा का जो कल्चर है ड्रेस, हरियाणवी ड्रेस, तो उसमें मैं व्लॉग शूट करूंगी, दिखाती हूँ आपको, कुछ अलग सा करने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।